किसी भी एक लैपटॉप से हार्ड डिस्क को कैसे रिप्लेस करें। जी हाँ फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये कि अगर आपके कंप्यूटर का हार्ड डिस्क खराब हो गया है या फिर आप उसके हार्ड डिस्क को निकाल कर किसी और हार्ड डिस्क को वहाँ पर डालना चाहते थे, ये कैसे करें, तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। लाइव डेमो स्पेशल वीडियो आपके लिए मैं बना कर लाया हूँ कि किस तरीके से हम एक लैपटॉप को ओपन करके उसमें लगी हार्ड डिस्क को बाहर निकाल सकते हैं या फिर खराब हो गई तो उसे हम बाहर निकाल के उसमें नया हार्ड डिस्क कैसे डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सारा चीज़ आज इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप, स्वागत है आपका टेक किंग संदीप यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटे को भी दबा लीजिएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं मेरे पास रखा है लेनोवो का लैपटॉप, देख सकते हैं लेनोवो का, यहाँ पर मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से। देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक लैपटॉप इस तरीके से, और अभी मैं आपको इस लैपटॉप की जो हार्ड डिस्क है उसको आपको निकाल के आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम जो इसका हार्ड डिस्क को बाहर निकाल सकते हैं। इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पर ये बैक साइड है और ये रहा इसका फ्रंट साइड इस तरीके से। अभी मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ कि आखिर हम किस तरीके से इस लेनोवो के जो लैपटॉप इसके हार्ड डिस्क को बाहर निकाल सकते हैं या फिर एक्सचेंज कर सकते हैं। मैं आपको फटाफट से इसे ओपन करके दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं सबसे पहले इसके सभी स्क्रू को बाहर निकाल लेता हूँ इस तरीके से। आपको भी सेम इस तरीके से बाहर निकाल लेनी है इस तरीके से। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी स्क्रू लगी रहती है, आपको सबको बाहर निकाल लेनी कुछ इस तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सभी स्क्रू को बाहर निकाल लिया है। टोटल स्क्रू यहाँ पर जितने भी स्क्रू लगी सबको मैंने यहाँ पर बाहर निकाल दिया। इसके बाद आपको करना क्या है, देख सकते हैं एक साइड को आपको यहाँ पर ओपन करना, देख सकते हैं साइड को इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको ओपन करनी इस तरीके से, देख सकते हैं इस तरीके से आपको इसे ओपन करनी, देख सकते हैं यहाँ पर ओपन हो गया इस तरीके से। अब आपको धीरे धीरे करके सब साइड को ओपन करते जाना इस तरीके से, देख सकते हैं धीरे से आपको सभी साइड को ओपन करना इस तरीके से, देख सकते हैं यहाँ पर आप इस तरीके से सब ओपन होते जाएगा। आपको बड़ा प्यार से इसको ओपन करना, वरना टूट जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। आपको सावधानी से इसे ओपन करनी है वरना ये टूट जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसे भी ओपन कर दिया है और अब इस तरीके से हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं ओपन हो चुका है इस तरीके से, देख सकते हैं यहाँ पर हमारा डिग्री रीडर है, देख सकते हैं यहाँ पर डिग्री रीडर यहाँ पर लगा हुआ है। तो सारे स्क्रू यहाँ पर नीचे गिर गया है, हम इसको साइड में रखते हैं इस तरीके से। अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि देख सकते हैं यहाँ पर लगा है हमारा हार्ड डिस्क, ये सारे स्क्रू है, इसको हम जो है साइड में करते हैं इस तरीके से, देख सकते हैं। अब आप फाइनली देख सकते हैं हमारा जो बोर्ड है ओपन हो चुका है इस तरीके से। मैं आपको और जूम करके दिखा देता हूँ, देख सकते हैं और यहाँ पर लगा है हमारा प्रोसेसर फैन, देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर हमारा प्रोसेसर फैन लगा हुआ है इस तरीके से। और ये रहा हमारा प्रोसेसर और ये लगी है हमारी बैटरी, देख सकते हैं यहाँ पर बैटरी लगी हुई है इस तरीके से। और ये लगा है हमारा हार्ड डिस्क। अब हम सिंपली से निकालते हैं हार्ड डिस्क को। निकालने के लिए आपको सिंपली करना क्या है, इसको ऊपर के साइड खींचना है इस तरीके से, इसको ड्राइवर के जरिए आपको ऊपर उठाना है इस तरीके से, देख सकते हैं इस तरीके से। ऊपर उठाने के बाद देख सकते हैं ओपन ऊपर उड़ जाएगा थोड़ी सी, ये थोड़ी सी ऊपर उड़ती है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद आपको खींचना है सामने साइड इस तरीके से, देख सकते हैं यहाँ पर इसे खींचना है इस तरीके से, देख सकते हैं खींचने से बाहर निकल जाती है, देख सकते हैं यहाँ पर सॉकेट लगी रहती है और यहाँ पर नीचे कोई रुई होता है जिससे ख़राब ना हो। फाइनली हमारा जो हार्ड डिस्क बाहर हो चुका है इस तरीके से, देख सकते हैं यहाँ पर हमारा हार्ड डिस्क खाली हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये वाला जो सॉकेट है ये हमारा डिग्री राइडर का है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर ये वाला जो सॉकेट है डिग्री राइडर का है और ये वाला हमारा हार्ड डिस्क का है। ये लगा है हमारा बैटरी और यहाँ पर है प्रोसेसर का फैन और यहाँ पर लगा है हमारा प्रोसेसर और ये पूरा है हमारा मदरबोर्ड, ठीक है फ्रेंड्स। अब समझ गए होंगे इस तरीके से सिस्टम इसका लगा हुआ रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हार्ड डिस्क हमने बाहर निकाल लिया, अब फटाफट से हम फिर से इसको लगा देते हैं जैसा ये हमने इसको निकाला था फ्रेंड्स। अब जैसा कि देख सकते हैं पर हमारा जो हार्ड डिस्क है बाहर निकल चुका है। अब मान चलिए आपको एक नया हार्ड डिस्क यहाँ पर डालनी है फिर से, तो क्या करना है आपको जो नया वाला हार्ड डिस्क उसको इस तरीके से पकड़नी है और नया हार्ड डिस्क को पकड़ने के बाद आपको इस तरीके से उसको ऊपर उठानी, देख सकते हैं ये नीचे ऊपर होता है इस तरीके से नीचे और ऊपर, तो आपको इसको ऊपर करनी है। ऊपर करने के बाद यहाँ पर इसको इस तरीके से यहाँ पर जो सॉकेट बना हुआ है उस सॉकेट को एकदम राइट टू राइट बैठा करके इस तरीके से आपको इसको इंसर्ट करनी, देख सकते हैं इस तरीके से, और आपको नीचे इसको छोड़ देनी, देख सकते हैं यहाँ पर हमारा हार्ड डिस्क लग चुका है। मतलब अगर आप हार्ड डिस्क को रिप्लेसमेंट भी करना चाहते तो इस तरीके से आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, एक पुराना हार्ड डिस्क को निकाल के नया हार्ड डिस्क यहाँ पर लगा सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मुझे इसके हार्ड डिस्क को निकालना चाहता हूँ तो मैं इसको सिंपली फिर से ओपन कर लेता हूँ इस तरीके से, क्योंकि इसे मैं अभी निकालना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे किया ओपन इस तरीके से और इसे बाहर खींचना इस तरीके से, देख सकते हैं बाहर निकल चुका है। हम इसको करते हैं साइड में अभी इस तरीके से, साइड में।
अब हम इसके कवर को फिर से लगा देते हैं। तो कवर को लगाने के लिए आपको करना क्या, सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं जो डीवीडी रीडर है, देख सकते हैं यहाँ पर लगा हुआ है अभी डीवीडी रीडर, इसको सबसे पहले आपको बाहर निकालनी है इस तरीके से, देख सकते हैं इसको आपको बाहर निकाल देनी है, इसको बाहर निकाल के साइड में रख देनी है। इसके बाद आपको इस कवर को लगानी है, इस बात को आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, वरना फिर टूट टूट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लगा देते हैं कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं, और ये जो है लग गया इस तरीके से। हम इसे अच्छे से इसको बैठा देते हैं सही सलामत। तो यहाँ पर देख सकती हैं काफ़ी अच्छा खासा लग चुका है, इस तरीके से आपको लगा देनी है। लगाने के बाद अब यहाँ पर डीवीडी रीडर को लगानी है। आप सोचेंगे कि जब ये सब चीज़ ढक्कन लग गया तो इसे हम कैसे लगाएंगे, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसे लगाने के लिए सिंपली आपको करना क्या है, आपको इसको इस साइड से पकड़ लेनी है, और यहाँ पर देख सकते हैं डीवीडी रीडर के लिए यहाँ पर गैप छूटा हुआ है इस तरीके से। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर जो डीवीडी रीडर है देख सकते हैं, तो ये वाला जो भाग है ये ऊपर की साइड रहेगा और ये वाला नीचे की साइड रहेगा, ये वाला ऊपर के साइड रहेगा नीचे के साइड रहेगा, आपको इस बात का ध्यान देने होने, टूट जाएगा फ्रेंड्स। तो आपको करना क्या है, इसको इस साइड से पकड़ना है, देख सकते हैं इस तरीके से, और इस पर घुसेड़ देनी है इस तरीके से, बस देख सकते हैं यहाँ पर ये हो गया, बस अभी लग गया फ्रेंड्स, इस तरीके से घुसेड़ देनी है, लग गया, ठीक है फ्रेंड्स। देख सकते हैं काफ़ी आसानी से लगाना और निकालना, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आप इसे निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको करना क्या है, जितना भी आपने स्क्रू बाहर निकाला था उसको आपको फिर से टाइट करनी है। अब आप सोचेंगे कि इसे हम आसानी से बाहर भी खींच के निकाल सकते हैं, टूट जाएगा, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो स्क्रू लगेगा यहाँ वाला देख सकते हैं, ये वाला स्क्रू डीवीडी रीडर का ही है, और यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट भी बना है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर एरो का निशान बना है। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो स्क्रू है ये डीवीडी रीडर को पकड़ने के लिए ही लगा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सारे स्क्रू को हम फटाफट से यहाँ पर टाइट कर देते हैं, फिर ये हमारा हो जाएगा विदाउट हार्ड डिस्क का ऑन, मतलब इसका जो हार्ड डिस्क है वो निकल जाएगा, रिप्लेसमेंट हम इसे कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी से हम फटाफट से पैक कर देते हैं कुछ इस तरीके से। तो हम शुरुआत करते हैं हार्ड डिस्क वाले पॉइंट से ही, इस तरीके से हम यहाँ पर डाल दिए सॉकेट, और यहाँ पर इसे करते हैं टाइट, देख सकते हैं टाइट हो गया, सभी को हम अच्छा खासा टाइट कर देते हैं इस तरीके से। ये काफ़ी आसान चीज़ है फ्रेंड्स, इस तरीके से जो है आप इसे टाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी स्क्रू फिर से टाइट कर दिया है, काफ़ी अच्छा खासा हमने टाइट कर दिया है। अब हम इसे करते हैं इस तरीके से ओपन, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने इसे कर दिया फिर से रेडी। अब आप इसे ओपन कर सकते हैं, और अगर बिना हार्ड डिस्क के तो स्टार्ट होगा नहीं, तो यहाँ पर हम इसे स्टार्ट तो अभी नहीं कर सकते, देख सकते हैं, क्योंकि बिना हार्ड डिस्क के स्टार्ट होगा ही नहीं। तो यहाँ पर हम सिंपली, अगर आप अपने लैपटॉप का हार्ड डिस्क को एक्सचेंज किए हैं तो आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं अपने लैपटॉप को, लेकिन मैंने अपने जो लैपटॉप है इसका जो हार्ड डिस्क है उसे मैंने बाहर कर दिया, तो अभी स्टार्ट ये नहीं होगा, और स्टार्ट होगा तो यहाँ पर हार्ड डिस्क शो अप नहीं करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इस तरीके से आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं किसी भी लैपटॉप की एक हार्ड डिस्क को फ्रेंड्स। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटे के फीदे, और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो क्या कर रहा है यार, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया, जाकर फॉलो करो, और मन में कोई डाउट है, कोई समस्या या फिर किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करो, डायरेक्ट मैसेज करो, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा फ्रेंड, और कोशिश भी करूंगा आपके टॉपिक पर वीडियो बना पाऊँ। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मैं देखने वीडियो टॉपिक, तब तक गुड बाय।